Assalamualaikum everyone, hope you are doing great. आज की इस वीडियो में हम लोग अबाउट अस पेज क्रिएट करना सीखेंगे ब्लॉगर साइट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी आप लोग एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो 100% आप लोगों का श्योर हो जाता है एडसेंस अप्रूवल, जब आप उसके अंदर कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस डिस्क्लेमर का पेज और इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है वो लाजमी आप इसके अंदर ऐड करते हैं, तो आप लोगों का जो एडसेंस अप्रूवल है उसके चांसेस 100% हो जाते हैं. आई थिंक इन पेजेस का होना लाजमी पार्ट है टू गेट एडसेंस अप्रूवल. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. तो सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना और यहाँ पर सर्च करना है अबाउट अस पेज जनरेटर. जो भी आपके पास सबसे पहला लिंक आएगा तो वहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, और क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर गेट स्टार्टेड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसका यूआरएल दे दें या फिर अपना ईमेल एड्रेस, दोनों में से आपने दोनों चीज़ें ही देनी है. तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देती हूँ, जो कि मेरा है digigilmarketing.site, जो कि रिसेंटली हमने परचेज़ की थी. और इसी के साथ अपनी ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जो कि मेरी ईमेल एड्रेस है मेरे ब्लॉग की ईमेल एड्रेस, या से आपने ब्लॉगर की ही ईमेल एड्रेस देनी है. तो इसके बाद सी योर पेज नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट वो आपको कह रहा है कि आपका जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं. तो हम उसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे. यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको शॉर्ट में लेना है या मीडियम में लेना है या लॉन्ग में लेना है, आप उसके मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं. मैं फ़िलहाल के लिए मीडियम ही रखूंगी और आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू दिस हम रीड कर लेते हैं. ये देखें, वेलकम टू, आपकी वेबसाइट का नाम है और योर नंबर वन सोर्स फॉर ऑल थिंग्स. अब यहाँ पर आपने जिस भी प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो देख यहाँ पर डाल देनी है. मिसाल के तौर पर मेरी ड्रोन्स के रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर ड्रोन्स का ही डालूंगी कि योर नंबर वन सोर्स फॉर, यहाँ पर ऑल को कैंसिल कर देते हैं, ड्रोन्स. नाउ हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं आपके प्रोवाइडिंग यू द वेरी बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रोन्स. और यहाँ पर आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूंगी कि द वेरी बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रोन्स विद कम्प्लीट प्रैक्टिकल रिसर्च. आप अपनी नीच के अकॉर्डिंग यहाँ पर मजीद स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मैं ये वाली सर्विसेज दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रीलांसिंग के ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं तो आप वहाँ पर अपनी पिक्चर डाल सकते हैं. अच्छी सी पिक्चर को ले लीजिए जिससे आपको ऑर्डर आना आसान हो जाए. और आपने उन तमाम तरह तरीक़ेकार के बारे में बता देना है कि आई एम मैंशनिंग और डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ गेनिंग कस्टमर्स फ्राम द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट. और इस तरह से आपने उसको इलेबोरेट कर देना है कि आई एम गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग और अबाउट एनीथिंग अबाउट योर नीच. ठीक है, तो इस तरह से आपने उसके ऊपर जो फ्रेजेस है ऐड कर देने हैं. फिर यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं, फाउंडेड इन ईयर. मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि मैंने 2021 के अंदर अगर बनाई है, बाय द फाउंडर नेम. यहाँ पर आप अपना फाउंडर नेम यानी कि जिसकी वेबसाइट है वो अपना नाम लिख सकते हैं. नेक्स्ट, मेरी वेबसाइट का नाम हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स बिगिनिंग. और यहाँ से बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दें और ख़त्म कर. यहाँ पर आप अपनी स्ट्रगल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे आपने जो चीज़ बिल्ड की है उसकी स्ट्रगल इन्फॉर्मेशन कैसे है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. यहाँ पर पूरा पैराग्राफ मैंने लिख लिया है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी साइट का लिंक आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग उस साइट पर जाके अबाउट अस पेज पर जाकर तो उसको देख सकते हैं. नीचे आप देख लेते हैं, ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक है. आप चाहें तो इसको भी अल्टरनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. नीचे फाउंडर नेम लिखेंगे, मैं अपना नेम लिख देती हूँ और इसके बाद हम इसको कर लेंगे कॉपी. ब्लॉगर साइट पे आने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर पेजेस के ऊपर, और पेजेस पर आने के बाद हमने अबाउट अस पेज को ओपन कर लेना है. अगर आपके पास पेज नहीं है तो आपने न्यू पेज पर यहाँ पर क्रिएट कर लेना है. तो मैं यहाँ पर अबाउट के पेज को ओपन कर लेती हूँ. यहाँ पर टाइटल दे देते हैं हम अबाउट अस, और यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आके जो भी हमने अपना डाटा कॉपी किया हुआ है उसको Ctrl+V से मैं यहाँ पर कर रही हूँ पेस्ट. अब कर लेते हैं इसको जस्टिफाई. जस्टिफाई करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ इस ऑप्शन पर आते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो जस्टिफाई हो जाएगा. मैंने अपने इस लिंक को कर लिया है यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड. आप भी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं इसको प्रेस करने से, और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने यूआरएल का कलर चेंज करना चाहते हैं. मेरे लिए ब्लैक कलर ही काफ़ी है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इंटर प्रेस करके इसको सेपरेट करती हूँ और इसके साइज़ को थोड़ा सा कर लेते हैं हम इंक्रीज़. तो यहाँ पर आप नॉर्मल या मीडियम रख सकते हैं, मैं नॉर्मल पर क्लिक कर देती हूँ. एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द अपडेट. तो इसके बाद आपका सेविंग होने के बाद आपका अपडेट हो जाएगा और इसके बाद हमारा अबाउट अस पेज जो है वो रेडी है. अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे और अगर हम यहाँ पर अबाउट अस के पेज पर क्लिक करते हैं तो अभी मेरे पास कोई पेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा. उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. इसको यहाँ से कर लेते हैं प्रीव्यू. आपने जो ये पेज रेडी किया है ना, इसको करते हैं प्रीव्यू और यहाँ पर ये जो यूआरएल आया हुआ है इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी. Ctrl+C से मैं कॉपी कर रही हूँ
और फिर आएंगे अपने वापस ब्लॉगर साइट के ऊपर। लेआउट के ऊपर आएंगे। लेआउट पर आने के बाद आपके पास जो ये टॉप बार मेन्यू है इसको ओपन करें और यहाँ पर जो अबाउट अस का पेज है आपके पास इसको हम कर लेंगे एडिट। और ये जो यूआरएल है यहाँ से इस यूआरएल को करेंगे ख़त्म, क्योंकि ये पुराना यूआरएल है, और नया यूआरएल करेंगे यहाँ पर पेस्ट, जो कि मैंने पेस्ट कर दिया है। अबाउट अस साइट का टाइटल को मैं चेंज कर देती हूँ, इसके टाइटल को नाम दे देते हैं अबाउट अस का, और इसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे सेव, और सेव करने के बाद अब हम प्रीव्यू करते हैं, अपनी साइट को रिफ्रेश करते हैं। अबाउट अस के यहाँ इस वाले टॉप बार पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अबाउट अस का पेज आ जाएगा। अब बात करते हैं इस अबाउट अस के पेज को। तो इसी तरह से आपने उस यूआरएल को यहाँ पर भी कर देना है। हेडर मेन्यू पर जाएंगे आप और यहाँ पर करेंगे एडिट के बटन पर क्लिक। यहाँ पर जो अबाउट अस का पेज है इसको करेंगे एडिट, और यहाँ पर ये जो यूआरएल है इसको करेंगे ख़त्म, और साइट यूआरएल में दे देंगे उसी यूआरएल का जो हमने पेज क्रिएट किया था। इसके बाद करेंगे इसको भी सेव, फिर से सेव करेंगे, और अब आते हैं हम अपने ब्लॉगर साइट पर और करेंगे यहाँ इस वाले अबाउट अस पर क्लिक। और ये एज़ यू कैन सी हमारा अबाउट अस पेज यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इस टॉप बार पे भी अबाउट अस का पेज आ चुका है और अबाउट अस का पेज हमारे यहाँ पर भी आ चुका है। तो आपके अबाउट अस के पेज की जो कंप्लीट सेटिंग थी वो हो चुकी है। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसे बनाना है, और इसी तरह से सारे पेजेस को हम कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि तमाम तर जो आगे प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर का है पेजेस, वो एक ही वीडियो में कंबाइन हो जाएँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन अगर वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए मजीद आसानी हो और आप स्टेप बाय स्टेप उसको काम कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।